Hello kids, in this video of NCO for class 7, I am going to start chapter 3, that is evolution of computers. इसमें mostly question इस learning पे ही वीडियोस होंगे, आपको चीजें याद होनी चाहिए. First question, match the following and select the correct option. Column 1 है John Muche and J. Parameswar Eacat. इन्होंने क्या invent किया? Created ENIAC. फिर है Conrad Zuse. तो इन्होंने क्या किया? Z4 commercial digital computer. चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इन्वेंट किया द डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन. अब एक बचते हैं, हरमन हॉलरिथ इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबुलेटर. मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर दैट यूजेस व्हील एंड डिस्क मैकेनिज्म टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस. वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर नॉट करेक्ट. CDC 6600 नॉट. IBM 650, this is also wrong. Differential analyzer is the right option. Maximum questions आपके learning base हैं. यहाँ differential equation की बात कर रहा है, तो आप उससे relate कर सकते हो differential analyzer. Now, which of the following is not a feature of second generation computers? Means कि कौन सा second generation के जो computer हुए उनका feature नहीं है. Features are transistors were used. So this is correct. सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही को ही सपोर्ट करता है, चाहे मशीन लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट. तो सी इज द राइट ऑप्शन. मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड डेवलप्ड आर यूज, तो दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज, दिस इज रॉन्ग. नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड मैग्नेटिक डिस्क एज backing stop medium and introduced programming language such as COBOL and Fortran. अब हमें बताना है कि जो कौन सा जनरेशन था जिन्होंने कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ किया एज अ बैकेंड मेमोरी, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सको, और दो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, COBOL एंड Fortran. ठीक है, तो ये जो था जनरेशन, दैट इज थर्ड जनरेशन. तो सी इज द राइट ऑप्शन. Identify the following. It is a larger than microcomputer CDC 1700 and PDP-8 are its example. तो अब हमें बताना है कि ये क्या है. तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो लिखी है, that is larger than microcomputer. Microcomputer example हो, इसका जो right option होगा, that is mini computer. Mini computer is a class of smaller general purpose computers. ठीक है, सुपर कंप्यूटर नहीं होगा, टैबलेट पीसी नहीं होगी, डेस्कटॉप भी नहीं होगा. ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर. सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइनरी सिस्टम मीन्स 1-0 पर वर्क करती है. नाउ अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, अगर हम सिंगल सीपीयू को एक ही चिप पर फैब्रिकेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. अब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फर्स्ट चिप माइक्रो प्रोसेसर आया, तो देखो 2002 तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया. जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज इंटेल 4004, और ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है. क्लियर है, ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस विद द डेवलपमेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ क्या डेवलप हुआ, तो ये आजकल की बात है. तो इसमें हमारा क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, सबको आजकल देखा है हर चीज़ AI बेस्ड है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ए इज द राइट ऑप्शन. नंबर 8, A-Dash इज अ मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. तो अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है जो एक साथ बहुत सारे यूजर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है. मोबाइल पीसी नहीं, ये हमारा मोबाइल फोन हो गया. डेस्कटॉप कंप्यूटर ये भी नहीं होगा. दिस इज मिनी कंप्यूटर. सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, ये एक टाइम पर मोर देन वन यूजर को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है. मार्बल ऑफ टेक्नोलॉजी द डैश आर कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस स्पीडली. तो अभी बताना है कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो कैलकुलेशन बहुत स्पीड में करते हैं. सर्वर्स, तो सर्वर्स कंप्यूटर्स नहीं हुए, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स. मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स, दे रिजाइड इन साइड अदर डिवाइसिस. एग्जाम्पल ऑफ ईच डिवाइसिस कैन बी योर DVD प्लेयर, डिजिटल कैमराज एंड माइक्रोवेव ओवन और द इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट इन एयर कंडीशंस.
ठीक है, दीज आर द स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स, दे रिजाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस, एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस कैन बी योर डीवीडी, डिजिटल कैमरास एंड माइक्रोवेव ओवंस और द इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट इन एयर कंडीशनर्स. तो दीज आर सर्वर्स नॉट रोबोट. एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम इज द राइट ऑप्शन. एम्बेडेड ही हमारे सिस्टम्स के होते हैं, रोबोटिक चिप्स भी नहीं है, मेन फ्रेम्स भी नहीं है. तो बी इज द राइट ऑप्शन. ए है दैट इज स्टेपर्ड रॉकनर, और जो कि डेवलप्ड हुआ था वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, और इन्वेंट किसने किया था, गॉटफ्राइड विलियम्स ने. तो ए इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. स्टेटमेंट वन, द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड सेकेंड है, यूनिवेक इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन. यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो बताना है कि कौन सी एडवांटेज नहीं है. मोर रिलायबल, स्टिल वेरी कॉस्टली, जनरेटेड लेस हीट एंड नो नीड ऑफ एसी. तो दिस इज द राइट ऑप्शन डी. 14, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव्ड फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू डैश लैंग्वेज. अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, बाइनरी से ये कौन सी लैंग्वेज में मूव हुए, असेंबली, हाई लेवल, पास्कल और विजिबल. तो दिस राइट ऑप्शन इज असेंबली, मीन्स 14 का ए इज करेक्ट. विच 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. तो यहाँ पर ऑप्शन होगा माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, माइक्रो कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर अलग है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, वैक्यूम ट्यूब इज ऑल्सो पार्ट और डिवाइस. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल राइट ऑप्शन होगा दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर की वजह से क्या होगा, ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही चिप पर फैब्रिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर रिप्लेस्ड बाई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज हायर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. तो दिस इज रॉन्ग बी. अब बी पार्ट में क्या लिखा है कि पावर कंजप्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज हायर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. तो दिस इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड बाई टॉमी फ्लावर्स एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. कोलोसियस मीन्स की ए इज द राइट ऑप्शन. मैच द कंप्यूटर टाइप्स गिवन इन द कॉलम वन विथ दियर डिस्क्रिप्शन गिवन. फर्स्ट है सर्वर, एक पहले है सर्वर. तो ऑप्शंस देखो, एक्सपेंसिव कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली. तो इसके लिए क्या होगा, सुपर कंप्यूटर. एंड देन प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. तो ये हो जाएगा सर्वर. एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये हो जाएगा यूज टू बल्क डेटा प्रोसेसिंग. ये सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस विच परफॉर्म्स प्री प्रोग्राम्ड फंक्शन. तो एम्बेडेड के साथ मैच हो जाएगा फोर्थ वन. एंड मेन फ्रेम्स यूज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग मीन्स डी का हो जाएगा फोर्थ. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं. वन के लिए टू, तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा सी. तो सी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू अबाउट एप्पल लेजर कंप्यूटर. स्टेटमेंट बट वन, इट वॉज अ पर्सनल कंप्यूटर विथ GUI. ठीक है, फिर है स्टेटमेंट टू, इट फीचर ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड आइकन्स. तो इसके केस में क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. तो सी इज द राइट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द डिवाइस गिवन हेयर एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट इट. अब ये टैब ने, इट वॉज डिजाइन टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड टैबुलेट पॉलिनोमियल फ्रैक्शन. तो दिस इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन वन इज करेक्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच.